हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती जो है हिमाचल प्रदेश में शुरू हो चुकी है। तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस बहुत सारी बना के दी है कि जिला वाइज जो है मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती जो है हो रही है। तो जैसे कि जिला हमीरपुर, बिलासपुर इत्यादि में जो है भर्ती ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम शिमला जिले की भर्ती लेके आए हैं। तो यहाँ पर आप सभी पढ़ सकते हैं, जिला में भरे जाएंगे मल्टीटास्क वर्करों के 859 पद। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं टोटल 859 पद जो है शिमला जिला के लिए है। स्कूलों में की जाएगी वर्करों की तैनाती। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, स्कूलों में की जाएगी वर्करों की तैनाती। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आप सभी का कोई भी सवाल हो मल्टीटास्क वर्कर भर्ती से रिलेटेड तो आप सभी नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप सभी को नहीं है पता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट के कितने नंबर लगेंगे, तो उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना दी है जिसको मैं नीचे कॉमेंट बॉक्स में पिन कर लूंगा। और आपको मेरी आई बटन के ऊपर दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक करके भी आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इन्होंने, जिले में मल्टीटास्क वर्करों के 859 पद भरे जाएंगे। इसकी तैनाती सरकारी स्कूलों में होगी। इसके लिए युवा 13 से 27 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 13 से 27 अप्रैल तक शिमला जिले वाले अप्लाई कर सकते हैं। कई जिलों में 11 से 26 है, कई जिलों में 10 से 25 है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है इसकी डेट है, तो शिमला की जो डेट है 13 से 27 अप्रैल तक है। तो उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा बाकिंग चौहान ने भर्ती के लिए आवेदन का शेड्यूल तय जारी कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार प्रारंभिक पाठशालाओं और एकल माध्यमिक स्कूलों में इन वर्करों की तैनाती की जानी है। इन्हें 5,625 मानसिक मानदेय का भुगतान किया जाएगा। तो इसकी जो सैलरी रहेगी 5,625 पर मंथ रहेगी। आवेदन संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किए जाएंगे। तो आपके जो भी निर्भय संबंधित शिक्षा खंड है तो वहाँ पे आप सभी अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। तय की गई अंतिम तिथि के बाद जमा किए जाने वाले आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। तो तय की गई जो अंतिम तिथि है उसके बाद जो भी आवेदन आएंगे वो मान्य नहीं होंगे। पदों के लिए तय की गई न्यूनतम आयु 48 से 45 वर्ष रहेगी। तो इसमें जो एज है वो 48 से 45 वर्ष रहेगी। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग भागचंद चौहान ने कहा कि शिक्षा खंड आधार पर भरे जाने वाले मल्टीटास्क वर्कर के पदों और स्कूलों का ब्यौरा उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। अधिकतम आयु सीमा में तय नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। आवेदनों के साथ प्रार्थी को आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे। तो आप सभी को नहीं है पता कि कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, तो उससे रिलेटेड में मैंने वीडियो बनाई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके कहाँ पे बनेंगे। तो आप सभी जब भी अप्लाई करें तो सारे डॉक्यूमेंट, जितने हो सके उतने डॉक्यूमेंट लगाएं, ताकि आप सभी की जो चांसेस है वो ज़्यादा रह सके लगने के। अगर आप सभी का कोई भी सवाल है नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती से रिलेटेड आप सभी की हर सवाल की हेल्प, हर साल का जवाब जो है मैं दे दूंगा। और अगर आप सभी को नहीं पता कि कौन से डॉक्यूमेंट कितने नंबर लगेंगे, तो स्क्रीन में शो हो रहा होगा आपको एक वीडियो, कौन से डॉक्यूमेंट के कितने नंबर लगेंगे उस पर क्लिक करके आप सभी देख सकते हैं इस वीडियो को भी। कोई भी सवाल है नीचे कॉमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।